रही बायोलॉजी पार्ट टू, हमारा चैप्टर चल रहा था 16 और जो टॉपिक था स्केलेटन के बारे में था, डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स। नो डाउट बोन्स आर वेरी हार्ड टू रिपेयर इश्यूज, बहुत हार्ड इश्यूज हैं, बट इसके बावजूद भी ये टूट जाते हैं। ठीक है, अब उनकी टूटने की वजूहात हैवी वेट, बहुत ज्यादा फोर्स लगना, प्रेशर पड़ना, उस रिजल्ट में क्या होता है, बोन्स ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ब्रोकन बोन अगर आप देखें तो यंग बच्चे होते हैं उनकी बोन ज्यादा टूट सकती है, एडल्ट जो है उनके चांस कम होते हैं, और ओल्ड एज में जाकर तब और ज्यादा बोन्स के टूटने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रोकन बोन्स ज्यादा परसेंटेज है वो ओल्ड एज में या चाइल्डहुड में होती है, एडल्टनेस में बोन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वहां उनके टूटने के चांस जो है वो कम होते हैं। ठीक है, फिर इसके अगर आप रिपेयरिंग की बात करते हैं तो हम उसे रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं, रिपेयरिंग ऑफ अ ब्रोकन बोन रिडक्शन। अब रिडक्शन दो तरह से होती है, एक जिसे आप कहते हैं क्लोज रिडक्शन, दूसरा जिसे आप ओपन रिडक्शन कहते हैं। क्लोज में ये होता है कि बाय हैंड फिजिशियन अपने हाथ से बोन को अपनी पहले वाली पोजिशन पर लेकर आते हैं और उसके बाद पट्टी वगैरह जो कर देते हैं, तो बाय हैंड करना विदाउट कटिंग द मसल्स, ये होता है क्लोज्ड रिडक्शन। सेकंड अगर आप देखें ओपन रिडक्शन, तो उसमें सर्जरी होती है कि बोन्स को उसकी पहली पोजीशन पर लाने के लिए या उसके साथ जोड़ने के लिए हमें मसल्स कट लगाना पड़ता है, फिर हम बोन्स को वायर्स आर पिंस उसके साथ अटैच कर देते हैं और उस रिजल्ट में भी बोन्स है वो अपनी पोजीशन पे कायम रहते हैं। ठीक है, सो ओपन एंड क्लोज रिडक्शन। सो लेट डिस्कस अबाउट रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम बात कर रहे थे कि नो डाउट वेरी हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज, लेकिन उसके बावजूद क्या होती है, बोन्स है वो टूट जाती है। कैसे? बाय मीन्स ऑफ एनी फोर्स। फोर्स किसी भी तरीके की फोर्स पड़ती है तो उससे ज्यादातर जो है वो एक्सीडेंट केस में ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट केस में ब्रोकन बोन जो है वो फेस करने पड़ती है हमें, उसमें से हड्डियां जो ज्यादा टूटती हैं। ठीक है, अब देखिए यंग बच्चों में बच्चे जाहिर है वो खेलते कूदते हैं, कहीं गिर जाते हैं, अगर कहीं हाइट से गिरते हैं तो फिर उनके चांस भी ज्यादा होते हैं, चाइल्डहुड में यहाँ पे ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, जो अडल्ट हैं जवान जो हैं उसमें लेस चांस होते हैं, और ओल्ड एज में भी इसके चांस जो है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, ज्यादा टूट है। हीलिंग प्रोसेस अगर आप देखें तो यंग में तेजी के साथ हो जाता है, यानी जल्दी हो जाता है, अडल्ट में भी हो जाता है, लेकिन ओल्ड में अगर आप बात करें ना, ओल्ड हीलिंग यहाँ पे स्लो होती है। ठीक है, यानी बुढ़ापे में हड्डियाँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर होती हैं। ठीक है, तो क्यों, रीजन क्या है? रीजन यह है कि ओल्ड एज है, सेल्स जो है बहुत ज़्यादा एजड हो चुके हैं और उनके जो सर्कुलेशन है, स्पेसिफिकली ब्लड सर्कुलेशन, वो भी बहुत स्लो हो जाती है, तो फिर वो प्रोसेस ओवरऑल स्लो हो जाता है। ठीक है, आप हिंदी मूवीज देखते होंगे, उसमें अक्सर ये डायलॉग बोला जाता है ना कि इस उम्र में हड्डियाँ टूटती तो जुटती नहीं है। ठीक है, तो ओल्ड एज का यही इफेक्ट होता है कि उसमें बोन्स टूटती तो हैं, टूटती ज़्यादा है और जुटती कम है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब इन बोन्स को जोड़ने के लिए रिडक्शन एंड रीअलाइनमेंट होता है, उसको उसकी असल जगह पे लेकर आना, तो रिडक्शन ओवरऑल प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, यानी रिपेयरिंग प्रोसेस आप कह लें या मेथड इसको आप कह लें, रिपेयरिंग प्रोसेस दैट विल बी नोन एज ए रिडक्शन। तो दो टाइप की रिडक्शन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होती ओपन रिडक्शन, ठीक है, दूसरी आपके पास होती है क्लोज रिडक्शन। ओके बेटा, ओपन रिडक्शन
कि अगर आप बात करते हैं तो ओपन रिडक्शन में ये होता है कि सर्जरी की जाती है और उसमें बोन्स को पिंस या फिर वायर उसके साथ उसको अपनी पोजीशन पे लाकर तो बाइंड किया जाता है, ठीक है, ये सर्जरी करके। क्लोज रिडक्शन अगर आप बात करते हैं तो क्लोज रिडक्शन होता है कि बाय हैंड बोन्स को उनकी असल पोजीशन पे लाते हैं और उसके बाद जो है वो कास्टिंग या रिकवर वगैरह वो उसके राउंड करते हैं, जिसे आमतौर पर हम डॉक्टर्स प्लास्टर भी कहते हैं कि ये प्लास्टर हुआ है, बड़ी सी पट्टी जो है वो कर देते हैं तो ताकि वो बोन डिसलोकेट ना हो, अपनी जगह से हटे नहीं, ठीक है। फिर जब ये ओपन और क्लोज रिडक्शन में किसी भी प्रोसेस से जब बोन्स उसकी जगह पे लेकर आते हैं उसके बाद उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ से वो टूटी होती है वो फिर से जुड़ जाती है। अब ये जो प्रोसेस है ये 4 वीक से लेकर 8 वीक तक जा सकता है, यानी मंथ में अगर आप देखें तो देखिए 2 से 3 महीने आराम से जब वो लग जाते हैं आप बोन को रिपेयर होते होते। ठीक है, ओल्ड एज में है तो फिर इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है क्योंकि वहां में प्रोसेस जो है वो सारे का सारा स्लो होता है, ठीक है। तो ये आपके पास है रीअलाइनमेंट और रिडक्शन ऑफ द बोन्स। अगर आप ओपन से करें या क्लोज से करें तो हीलिंग प्रोसेस अगर वो ऑलमोस्ट सबके अंदर ही होगा और सेम होगा, ठीक है। अगर आप एक कॉमन फ्रैक्शन बोन्स की बात करें कि अमूमन थोड़ी बहुत जो हड्डी टूट जाती है, ज्यादा सीरियस नहीं, कॉमन की बात मैंने इसलिए की, बाज दफा होता है कि हड्डी टूटती है तो बहुत ज्यादा टूट जाती है, यानी उसके टुकड़े ज्यादा हो जाते हैं जहाँ पे फ्रैक्शन हुआ होता है, उस केस में नहीं, वो कुछ सीरियस केस होते हैं। एक नॉर्मल ब्रोकन बोन्स होती है उसमें अगर आप देखें ना तो हीलिंग प्रोसेस में कुछ स्टेप इसमें होते हैं, ठीक है, यानी जहां से बोन टूटी है वहां से उसकी रिपेयरिंग हो रही है तो उसमें डिफरेंट स्टेप हैं। ठीक है, उन स्टेप को अगर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप है वो है हिमाटोमा फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप। नाउ इन केस ऑफ हिमाटोमा फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा कि बोन्स के ऊपर फोर्स लगी वो ब्रेक होगी टूट के। अब जैसे ही बोन टूटती है तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और कुछ जो है वो बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज, वो प्रेजेंट होती हैं। तो जहां से बोन टूटती है वहां पे क्या होता है, बहुत सी कैपिलरीज वो भी ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। जब उस पॉइंट पे कैपिलरीज ब्रेक डाउन हो चुकी है तो डेफिनेटली वहां पे ब्लड कैमुलेट होगा, ठीक है। ब्लड वहां पे इकट्ठा होगा। अब जब वहां पे ब्लड आता है तो उस रिजल्ट में क्या होता है, वहां पे क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्लॉट बन जाएगा यानी खून वहां पे जमना स्टार्ट हो जाता है और वहां पे क्लॉटिंग की वजह से क्या होगा कि वहां बहुत से सेल्स एंड टिश्यूज उनकी जो सप्लाई है ना वो स्टॉप हो जाती है, यानी बोन्स टूटी वहां पे ब्लड कैपिलरीज भी टूट गई तो वहां एक तो वहां से लीकेज हुई, ब्लड बहा इनसाइड नॉट आउटसाइड, वहां पे लीकेज हो रही है तो ब्लड वहां पे इकट्ठा हो रहा है और वहां पे क्लॉट बन जाता है। अब जहां जहां वो क्लॉट बना हुआ है वहां पे क्या है, एक बैरियर क्रिएट कर दिया गया है, वहां ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी। जब ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो इसका मतलब वहां पे किसी किस्म की न्यूट्रिशन भी नहीं जा रही, खुराक जो है वो नहीं पहुंचाई जा रही, तो इस सब के रिजल्ट में ये होगा कि वहां पर सेल की डेथ स्टार्ट हो जाएगी, डेथ ऑफ सेल्स विल स्टार्ट एट द पॉइंट
और फिर वो क्या करता है, स्वेल कर जाता है एंड इट विल बी अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। यहाँ बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही होती है जब ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। लाइक अगर आप देखें, लेट्स सी, ये कोई बोन है। अब यहां से बोन जो है वो क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। थोड़ा सा डिस्टेंस आप इसमें क्रिएट कर लें, ये यहां से ब्रेक होगी टूट के। अब यहां पे ब्लड कैपिलरीज सारी टूट के ब्लीडिंग यहां पे होती जा रही है। जब ब्लीडिंग होती जा रही है तो फिर यहां पे क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लड बहने से, ओके। ये जब केस आता है तो फिर हम इसे हिमाटोमा फॉर्मेशन कहते हैं और ये फिर सारी सेल डेथ होती है, ठीक है, स्वेलिंग होती है और विल बी अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हिमाटोमा फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप की अगर आप बात करें तो फिर सॉफ्ट कैलस का बनना, ठीक है, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप में अगर आप देखें तो सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस में यह है कि देखें जो आपके पास पीछे था कि बोन्स के अंदर क्लॉट बन चुका है जहां से वो टूटी हुई थी, यहां पे क्लॉट बन चुका है। अब क्या होगा, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन में ये होगा कि यहां पर इस क्लॉट के अंदर ब्लड कैपिलरीज डेवलप कर जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज वो डेवलप कर जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड सप्लाई वहां पे बहाल होगी तो पहला काम ही किया जाएगा कि वहां सफाई की जाएगी, जितने भी डेब्राइड्स हैं, दैट मीन डेड सेल वगैरह वहां पे मौजूद है, उसको वहां से रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। यानी इस सॉफ्ट कैलस के अंदर ये जब बन चुका है, अब इसमें क्या है, ब्लड सप्लाई पहुंचा दी गई है तो वहां पे सफाई हो रही है कि वहां से डेब्राइज उनको रिमूव किया जा रहा है। पहला स्टेप आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ग्रोथ करके वहां पे चली जाएंगी तो वहां से ये सारी चीजें रिमूव करेंगे, डेड सेल, कोई और क्लॉट है, कुछ भी है, वो सारा वहां से रिमूव किया जा रहा है। एक तरफ से रिमूविंग हो रही है, दूसरी तरफ से क्या होगा, वहां पे ब्लड सेल्स, बोन सेल्स को पहुंचाया जाएगा, ठीक है, बोन सेल्स उनको वहां पे पहुंचाना स्टार्ट किया जाएगा। अब ज्यादातर जो यहां से मूव करते हैं वो फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल्स ये यहां पे पहुंचाए जाते हैं, फिर उसके साथ ओस्टियोसाइट्स, इनको भी कोशिश की जाती है वहां पे सप्लाई जो है वो भेजना स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो यहां ब्लड कैपिलरीज का डिवेलप होना, डेब्रीज का रिमूव करवाना और बोन सेल्स को वहां पे भेजना, ये सॉफ्ट कैलस कहलाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका बोनी कैलस फॉर्मेशन। बोनी कैलस एक्चुअल में सॉफ्ट कैलस कैलस को ही कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द बोनी कैलस, और उसके लिए क्या होगा कि यहां मैच्योर बोन सेल्स उनको ज्यादा से ज्यादा वहां पे सप्लाई किया जाएगा, और वो क्या है, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स को वहां पे ज्यादा से ज्यादा भेजा जाएगा और वो सेल वहां पे जाके बोनी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ ओस्टियोक्लास्ट भी जाते हैं और ओस्टियोब्लास्ट भी जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो बोन सेल्स हैं वहां पे माइग्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो ओस्टियोसाइट्स को वहां पे भेजा जा रहा होता है ताकि वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो बना है वो एक हार्ड बोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जिस तरह की आम एक बोन्स होती है जैसे वो पहले से थी, वहां पे वैसे ही बोन को डेवलप करवाया जा रहा होता है। इसके साथ साथ मैट्रिक्स, कोलाजन फाइबर्स वगैरह, प्रोटीन, वो भी वहां पे पहुंचाई जा रही होती है, ठीक है। सो ओस्टियोसाइट्स
ये बोनी सेल्स जो है ये वहां पर भेज दिए जा रहे होते हैं, तो फिर आपके पास वो जो सॉफ्ट कैलस है वो बोनी कैलस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा जो टॉपिक है, लास्ट इसमें स्टेप वो है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग अब एक्चुअल में रीमॉडलिंग ऑफ द ब्रोकन बोन्स, इसमें क्या होता है कि आपने जब वहां पे ब्लड सेल पहुंचाए जा रहे हैं तो बोन्स ऑलमोस्ट वो बन चुकी होती है। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा रीमॉडल करना है। रीमॉडल में क्या किया जाता है, एक्चुअल में जब रिपेयरिंग हो रही होती है तो तब बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई भेजी जाती है। ठीक है, यानी कैपिलरीज ज्यादा तादाद में भेजी जा रही है। तो पहला स्टेप ये होता है कि वहां भी जितना एक्स्ट्रा मटेरियल है उसमें खास तौर पर कैपिलरीज उनको कट किया जाता है। ठीक है, उसको काट दिया जाएगा। फिर कुछ सेल्स अगर वहां पे एक्स्ट्रा मौजूद हैं तो उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके साथ साथ जो मिनरल्स हैं उनको भी देखा जाता है कि उनको भी बैलेंस लेवल पर लेकर आया जाता है। अगर कुछ मिनरल ज्यादा है तो उसको रिमूव करवा दिया जाता है, अगर कुछ कम है तो उसको वो वहां पे सप्लाई कर दी जाएगी, और बाकी जो सराउंडिंग में टिश्यू जो भी वहां पे मौजूद है एक्स्ट्रा तो उसको भी वहां से क्या कर दिया जाएगा, रिपेयर कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, और बोन्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अब इसके अंदर सारे सेल्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें सबसे पहले तो वहां पे ऑस्टियोक्लास्ट काम करते हैं। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा बोनी सेल्स वहां पे मौजूद हैं उनको डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बोनी सेल्स को, और जो मिनरल्स वहां पे ज्यादा है उसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आगे आगे ऑस्टियोक्लास्ट काम करते हैं, और उसके पीछे ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल वो काम कर रहे होते हैं, और उससे पीछे पीछे जो आ रहे होते हैं वो होते हैं ऑस्टियोसाइट। ठीक है, यानी ऑस्टियोक्लास्ट आगे से एक्स्ट्रा चीजों को रिमूव कर रहा है। अब उनके रिमूविंग से डेफिनेटली कुछ वहां पे आप यू कह लेंगे स्क्रैच वगैरह पड़े होंगे, तो ऑस्टियोब्लास्ट उसको कवर करता है और ऑस्टियोसाइट लास्ट में उसको फाइनल फॉर्म में चेंज कर रहा होता है। तो इस रीमॉडलिंग के बाद बोन्स बिल्कुल एज इट बन जाती है जैसे वो पहले से थी, नेचुरली जो वहां पे प्रेजेंट थी। ठीक है, यानी शुरू से डेवलपमेंट के दौरान जो बनी थी। ठीक है, सो ये रीमॉडलिंग है। रीमॉडलिंग ब्रोकन बोन के अलावा भी आमतौर पर होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी हड्डियां जो है वो रिपेयर होती रहती हैं, यानी उनके अंदर मिनरल्स कंसेंट्रेशन जो है वो चेक की जा रही होती है, कोलाजन फाइबर्स जो है वो चेक किया जा रहा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उसकी रीमॉडलिंग हमेशा से होती रहती है, और ये सेल इसी अंदाज में काम जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा ना कि अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है तो आपकी बोन्स जो है वो ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकती हैं मजबूती के साथ। ठीक है, अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है तो आपकी बोन्स ऐसे ऐसा वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसकी रीजन क्या है, रीजन यही है कि हमारे जो सेल्स हैं बोन्स के अंदर वो उसकी रिपेयरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ टिश्यू कुछ सेल्स ओल्ड हो चुके हैं, कुछ मिनरल्स जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसको रिप्लेस करना होता है। अब ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो आपकी बोन्स को रिपेयर कर रहा है, वहां पे नकारा सेल्स को निकाल रहा है, टिश्यू को निकाल रहा है, लेकिन न्यू डिपॉजिट के लिए आपकी न्यूट्रिशन में वो सारी चीजें होनी चाहिए ताकि नई चीजें जो है वहां पे डिपॉजिट की जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि वहां से रिमूविंग तो हो रही है लेकिन डिपोजिशन की तरफ अगर जाए तो कुछ डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो फिर बोन्स जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, वीक होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट रिपेयरिंग ऑफ द ब्रोकन बोन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ए लॉन्ग, और इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो एज ए शॉर्ट भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप होपफुली कि आपको समझ आई होगी। आप वीडियो को देखें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। अगर कोई बात नहीं समझ आती तो इन द क्वेश्चन फॉर्म में भी आप कमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।